हेलो एवरीवन। तो अब हम टाइप टू देखते हैं क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड देखते हैं। पहले मेथड में हमें क्या करना था कि हमें पहले दो एक्सप्रेशन या पहले या दूसरे दो एक्सप्रेशन, मतलब लास्ट टू एक्सप्रेशन लीजिए या पहले दो एक्सप्रेशन लीजिए और फिर क्या करिए एक्स वाई जेड में उसका सोल्यूशन निकाल दीजिए। ध्यान रखने वाली बस बात यही थी कि यू और वी दो हमारे जो फंक्शन सोल्यूशन बनेंगे उन सोल्यूशन में कम से कम एक में जेड जरूर कंटेन होना चाहिए। फिर इसी तरह क्वासी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व उसी तरह करेंगे बाय यूजिंग लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, मतलब कैपिटल पी यहाँ पर क्या है, ये आपका हो गया वाई, ठीक है, और डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू जो हो जाएगा वो एक्स हो जाएगा। इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, क्यू कैपिटल क्यू इक्वल टू आर, तो डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू एक्स हो गया, कैपिटल पी वाई हो गया, ठीक है। तो डी जेड अपॉन क्या होगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वेरी सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पहले दो एक्सप्रेशन से बहुत ही आसानी से पहला सॉल्यूशन मिल जाएगा, दैट इज एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई, तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई डी वाई, पहले दो को लेंगे तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन, पहला सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से प्राप्त हो गया। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट टू फ्रैक्शंस को यूज करेंगे। लास्ट टू फ्रैक्शन हमारे कौन से हैं, दैट इज डी वाई अपॉन एक्स, तो यहाँ पर लिखते हैं हम डी वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू डी जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं कि एक्स और एक्स कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अभी आपने कैलकुलेट किया सी वन। तो यही ये मेथड है कि हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन निकालेंगे उससे कुछ वैल्यूज उसकी यूज कर लेंगे, जब यूज करेंगे मतलब एक एक सॉल्यूशन को हमने यूज कर लिया दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वाई को उधर भेज दीजिए, वाई को उधर भेजा तो वाई डी वाई हो गया और जेड स्क्वायर रहेगा तो वन बाई सी वन, देखिए अलग रहेगा, सी वन एक कांस्टेंट है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी और ये हो जाएगा डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन बनाएंगे, एक दूसरा कांस्टेंट ऐड करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वन बाई सी वन और वन बाई जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस वन बाई जेड, कैसे आया, जेड की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड बाई माइनस टू प्लस वन, तो ये जाएगा माइनस वन बाई जेड प्लस सी टू। अब क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मान लो इसको सी टू डैश मान लो, चलो इसको सी टू डैश मान लिया, टू से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड बाई सी वन जेड प्लस सी टू, तो टू सी टू डैश हो जाएगा। जब ये टू सी टू डैश हो जाएगा तो इसको हमें टू सी टू डैश को क्या दूसरा कांस्टेंट मान लूंगा, दैट इज सी टू, और इसको उधर भेज दूंगा तो वाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन सी वन मल्टीप्लाइड बाई जेड इक्वल टू सी टू, जहां पर सी टू की वैल्यू क्या है, टू सी टू डैश, ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करने की कोई खास जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन जो मिला हमें, ये तो देखिए यू मिला और ये मिला वी, वी क्या मिला, वाई स्क्वायर प्लस टू अपॉन सी वन, सी वन की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यही वैल्यू थी और जेड, तो देखिए ध्यान से देखेंगे यू और वी दोनों में से कोई एक फंक्शन जेड को जरूर कंटेन करता है, हमें सबसे ज्यादा इसी बात को ध्यान रखना है। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइ यू वी इक्वल टू जीरो, जहां पर यू की वैल्यू ये हो गई और वी की वैल्यू ये हो गई, तो बहुत ही आसानी से हमने इस सॉल्यूशन को ऑब्टेन किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी तरह की बिल्कुल है, बट थोड़ा सा बस सिर्फ कैलकुलेशन का ही खेल है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल पी स्मॉल की पी, इसको कंपेयर कर देंगे, दूसरी प्रॉब्लम एक्स वाई पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो हम कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, यहाँ पर कैपिटल पी क्यू आर की वैल्यू बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है, तो डी एक्स अपॉन कैपिटल पी की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई हो गई, और डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू कितना हुआ, वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू डी जेड अपॉन कैपिटल आर, दैट इज जेड एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ईजी, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन दिख रहा है हमको, ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी हमने बना ली है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले बहुत ही आसानी से फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को हम यूज़ करेंगे, तो डी एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, देखिए वाई से वाई एक कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है इंटीग्रेशन, लोग तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो लॉग एक्स लॉग वाई प्लस लॉग सी वन, तो देखिए सी वन की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स वाई।
ओके, सी वन की वैल्यू एक्स वाई, सी वन की वैल्यू नहीं, ये गलती हो गई, देखिए ये माइनस जाएगा तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू सी वन हो जाएगा, ठीक है, एक्स डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू सी वन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड एक्सप्रेशन को चूज करेंगे, तो ये क्या दिया हमारे पास, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू जी जेड अपॉन जेड एक्स वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे पहले कि कुछ क्या कुछ एलिमिनेट हो रहा है, तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ये चीज़ ध्यान से देखें कि हम क्या इस सॉल्यूशन को इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डी वाई इक्वल टू डी जेड यानी कि वाई और जेड का जब हमने लिया है वेरिएबल, तो उसमें हमारे पास एक्स भी इंक्लूड है, तो मैं क्या करूँगा एक्स को रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स इक्वल टू सी वन वाई आ गई। जब x इक्वल टू सी वन वाई आ गया, मैं डायरेक्टली यहाँ सब्सिट्यूट कर दूंगा, तो डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू सी वन वाई यानी कि सी वन वाई और वाई, तो दो वाई हो गए तो वाई स्क्वायर हो गया, माइनस टू, ये टू है ना, हाँ ये टू है, ठीक है, तो टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर से रख देंगे तो सी वन स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। अब देखिए क्या कॉमन है, सीधे सीधे दिख रहा है कि वाई स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, वाई स्क्वायर कॉमन है। तो अब क्या होगा, देखिए एक सी वन भी कॉमन है और वाई स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर को सीधे सीधे कैंसिल कर सकते हैं, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और एक सी वन को उधर भेज देते हैं, सी वन डी वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस टू सी वन स्क्वायर। बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो गया, डेड ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बस इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तब क्या सोल्यूशन होगा, तो ये हो जाएगा सी वन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन, अब देखिए ये क्या है, जेड माइनस ए है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे लॉग का फॉर्मूला लग जाएगा, तो लॉग का जब फॉर्मूला लगेगा तो इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ जेड माइनस टू सी वन स्क्वायर, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दें, प्लस कांस्टेंट कौन सा लगाएं, सी टू लगाना पड़ेगा क्योंकि सी वन यूज हो चुका है, तो सी वन की आप वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा, सी वन की वैल्यू क्या थी, सी वन की वैल्यू हो गई एक्स अपॉन वाई, तो ये जाएगा एक्स अपॉन वाई, तो वाई वाई कैंसिल, यानी एक्स वाई वाई, एक्स बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस लॉग जेड माइनस टू सी वन स्क्वायर, सी वन स्क्वायर क्या है, टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टू। अब ध्यान से देखिए वाई वाई कैंसिल हो गया, एक्स माइनस लॉग जेड माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू सी टू। देखिए यू और वी हमारे पास दोनों आ गए, यू क्या था, हमारे पास यू था एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और वी क्या है, ये हमारा वी है, तो फिर से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाई यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया, बहुत ही आसानी से हमने ऑब्टेन कर लिया। तो इस मेथड में हमने ये सीखा कि हम पहले एक सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग जो हमने टाइप वन पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में, जो हमने पहला वाला मेथड किया था जिसमें हम डायरेक्टली बस एक्सप्रेशन को लेते थे और सिंप्लीफाई कर देते थे, ना तो हमें किसी सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी।